आप देख रहे हैं न्यूज लाइन खबरों की तहतर। नमस्कार, मैं हूं गार्गी शुक्ला, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन खबरों की तहतर। तो चलिए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश के मऊ में आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन ने धरना प्रदर्शन किया। एसोसिएशन का कहना है कि जून में मुख्यमंत्री ने मानदेय 10,000 तक देने का वादा किया था, लेकिन वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ, जिसके चलते एसोसिएशन ने 10 फरवरी तक मुख्यालय पर धरना देने का निश्चय किया है। इसके बाद भी अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो लखनऊ की इको गार्डन में अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की एसोसिएशन ने दी चेतावनी। ठीक है, 7 जून को वार्ता हुई थी, उन्होंने मानदेय बढ़ोतरी दुगना 10,000 के करीब हम लोगों का, वो कहे थे कि आपका मानदेय जो है हम वृद्धि कर दिए हैं और वो भी मंच पे आपकी घोषणा करेंगे। तो आज तक उनका जो है वादा खिलाफी के बाद हम लोग 17 जनवरी को जनपद मऊ पे एक विशाल रैली के माध्यम से हम लोग अपना ज्ञापन दिए थे, संबोधित मुख्यमंत्री को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हम लोग दिए थे कि जिसमें अगर आप हमारी मांगों को शीघ्र ही घोषणा नहीं करेंगे तो हम लोग काली पट्टी बांध के 17 जनवरी से 4 फरवरी तक काली पट्टी बांध के सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए हम लोगों ने अपना काम किया। मोहनलालगंज क्षेत्र के कस्बा सिसेंडी में लगभग 1.5 महीने पहले ज्वेलर्स की दुकान पर चोरी को अंजाम देने वाले चोरों को आज मोहनलालगंज पुलिस ने धर दबोचा। चोरी किए गए माल सहित वारदात को अंजाम देने के लिए जिस गाड़ी का प्रयोग किया गया वो भी पुलिस के कब्जे में है। पुलिस चोरों को गिरफ्तार करके पूछताछ कर रही है। संगीत नाटक अकादमी गोमती नगर में चल रहे पुस्तक मेले में आज 11 जिलों से आए बाल प्रतिभाओं ने अपने अपने कार्यक्रम प्रस्तुत किए। मेले में महाकुंभ पर आधारित प्रदर्शनी भी लगाई गई है। सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक चलने वाले इस पुस्तक मेले में प्रवेश निःशुल्क है। महोत्सव के 6वें दिन आज आशीष व जितेश के संचालन में जुग्गौर प्राथमिक विद्यालय के बच्चों ने नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति की। कार्यक्रम में नृत्य, गायन, कवि सम्मेलन व मुशायरे का भी आयोजन किया गया। महोत्सव में कल 7 फरवरी को सुंदरम साहित्य संस्थान की ओर से संगोष्ठी व काव्य पाठ का आयोजन अपराह्न 12 बजे किया जाएगा। मिश्रिक कोतवाली क्षेत्र के तरसावा मोड़ के निकट बस व बाइक की टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार तरसावा निवासी आदित्य प्रकाश तिवारी व न्योरिया निवासी ब्रजेश कुमार की मौके पर ही मृत्यु हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बाइक बस में फंसकर लगभग 100 मीटर तक घिसटती चली गई। ड्राइवर बस छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अब समय हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज लाइव खबरों की तहतर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं के कॉमर्स क्लासेस, लखनऊ ज्वेलर्स, विकल्प प्रॉपर्टी, दर्श किड्स, स्वर्णगान सिंगिंग एकेडमी। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव खबरों की तहतर।